असलम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खैर हंसे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो जी ये है जो सामने आप देख रहे हैं ये जी सिंगापुर प्लाजा और ये है जी एक मोबाइल जो है मार्केट कह सकते हैं प्लाजा कह सकते हैं तो यहाँ पर जी मैं आई थी मुझे कुछ लेना था अपने मतलब व्लॉगिंग के हिसाब से कुछ मैंने देखना था चीज़ें एक मुझे चाहिए था क्या कहते हैं ट्राई या इस तरह की कुछ चीज़ तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली तो वहाँ पे फिर मैंने जो है आ, हम लोगों ने फिर यहाँ पे पॉप सॉकेट देखे थे तो ये वाले बहुत ही मतलब दे रहे थे आ, महंगे दे रहे थे और क्वालिटी भी इनकी कोई इतनी बेस्ट नहीं थी तो इस वजह से फिर यहाँ से तो फिर हम लोगों ने नहीं लिए लेकिन लिए कि फिर आगे जाके हमने एक शॉप से ले लिए थे वहाँ से हमें जो है पॉप सॉकेट जो है वो हमें मिल गए थे तकरीबन वन फिफ्टी रुपीज़ का एक मिल गया था तो ये चेन वगैरह भी थी मोबाइल वगैरह की उसके बाद हम लोग फ्री हुए तो आगे जो इस ब्लॉग का मेन जो अपने टाइटल से भी देख लिया होगा तो यहाँ पे आई थी जी ये है जी आ, वन डॉलर शॉप वन डॉलर शॉप ही है न ना। इसका नाम था डॉलर फैमिली शॉप तो ये वाली जो है यहाँ पे हम लोग आए थे इस तरह की शॉप्स तो सदर में काफ़ी सारी हैं और यहाँ पे जी वन नाइन्टी रुपीज़ की हर चीज़ थी मतलब अब इनमें से कोई भी आप एक कुछ पीस लेंगे तो वन नाइन्टी रुपीज़ का तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है जो यहाँ की क्रॉकरी थी या इस तरह की चीज़ें थी जो किचन के इस्तेमाल की होती हैं वो उनकी सिर्फ मैंने वीडियो बनाई थी और यहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत पसंद आई यहाँ पर चीज़ें जो हैं उनका मतलब क्या कह सकते हैं वाइटी बहुत ज़्यादा थी क्वालिटी तो मैं नहीं कह सकती क्वालिटी भी देखने में अच्छी लग रही थी लेकिन ज़ाहिर है वन नाइनटी रुपीज़ की है तो ठीक थी अच्छी थी क्वालिटी लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं इस तरह की चीज़ें जो हैं जो है वो मैंने भी दिखाई थी वो एज ए डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा ये जो है शुगर पॉट है तकरीबन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी अब आप मुझे से लोकेशन पूछेंगे इस जगह की तो इस जगह की लोकेशन आपको मैं बता दूँगी अगर आपको पता है कि जिस गली में वो है मिनिसो स्टोर है या शामोजी जो है आता है कारपेट्स वगैरह सदर में तो उस वाली गली में ये जो है, आ, है आ, आ, फैमिली डॉलर शॉप इसके साथ ही ना बेबी बेसमेंट में ना बेबी जो ड्रेसेस होते हैं बेबी के नाम से कोई शॉप है अच्छा ये जी ऑयल जग ये बहुत मुझे पसंद आया ये वाला फिर एक वाला मैंने ले लिया थी पिंक कलर में लेकिन मैंने जो लिया था वो थोड़ा सा ग्रीन कलर का था ये ब्लू में है ग्रीन वाला ग्रीन जिसका जो है ये ग्रीन वाला मैंने लिया ये बहुत अच्छा है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसके अलावा ये छोटे साइज में भी था तो इस काफ़ी सारी इनके पास चीज़ें मुझे बहुत 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 पसंद आई तो मैंने यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले भी ली थी तो मैं आपको किसी व्लॉग में दिखा दूँगी अगर मैं फ़्री हुई तो क्योंकि मेरे पास तो उतना टाइम नहीं होता इसीलिए तो मैं घरेलू रूटीन पे जो है व्लॉग नहीं बना पाती कोशिश तो मेरी यही होती है लेकिन फिर मैं जब बाहर जाती हूँ तो फिर ये है कि मैं फिर बाहर की ही जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए अच्छा ये वाला बॉक्स मुझे बहुत पसंद आया था ऑर्गेनाइज़र इसको बोलेंगे इसमें पेंस वगैरह रखते हैं ये भी कलर बहुत अच्छे थे अचिन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी जिससे ये वन नाइन्टी रुपीज़ का था बहुत अच्छा लग रहा था तो इस ये लेके भी जो है अपने ड्रॉर में रख के छोटी छोटी चीज़ें पोनीज पेंस वग़ैरह हम यहाँ पे रख सकते हैं इससे अच्छा ये जी सिक्स फॉर फोर एटी रुपीज़ फ़ोर एटी रुपीज़ के ये ग्लास थे यहाँ पर ये ग्लास देख लेते हैं यहाँ ये मुझे अच्छे लगे थे और ये इस पर काफ़ी सारी वाइटी थी इन ग्लास में अच्छा यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी मैं पहले आप लोगों को ये बात शेयर कर दूँ क्योंकि वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा लंबी नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया था मैं बड़े मज़े से बना रही थी मैंने कहा चलें मैं बना रही हूँ लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ है वहाँ के किसी स्टाफ ने मुझे देख लिया और फिर उसने जाके बताया तो फिर एक और स्टाफ उनका आया तो उसने आके फिर जी मुझे बड़े अच्छे बड़े अंदाज से बहुत ही इखलाक के साथ उसने मुझे मना कर दिया कि मैम परमिशन नहीं है तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा तो वीडियो मत बनाएँ तो फिर खैर मैंने इतना अच्छे से एक लाख से उसने मुझे मना किया तो फिर मैंने जो है उसका कैमरा ऑफ़ कर दिया था लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे मैं तो इसलिए बना रही थी कि आप लोगों का ही फ़ायदा होगा लोग देखेंगे तो आपकी शॉप पे विज़िट करेंगे लेकिन फिर भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उनकी तो उस हिसाब से फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो फिर मैंने नहीं बनाई तो ये देखी जी ये वाले दो थे वन नाइन्टी रुपीज़ के वो वाले भी जो मैंने अभी एप्पल की शेप के आपको दिखाएं वो भी दो थे उनमें मैंने दो ले लिए थे मैंने कहा मैं यूज़ करके देखती हूँ वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं सिक्स ही ले लूँ ताकि वो जो है स्वीडिश जो है आ, सेट बन जाएगा लेकिन फिर मैंने दो लिए अच्छा इसके बाद जी यहाँ पे इस तरह के ये जो है आ, क्या कह सकते हैं बॉल थे जिनका एयर टाइट बॉल होते हैं जो किचन में यूज़ होते हैं और यहाँ पे ये वाले भी थे इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटी थी क्योंकि मैं काफ़ी सारी डॉलर शॉप पे गई हूँ लेकिन मुझे वहाँ की वैरायटी पसंद नहीं आई इनकी वैरायटी मुझे बहुत पसंद आई थी यहाँ पे कुछ देखी इस तरह के भी रखे हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी जो है तीन थ्री एटी रुपीज़ के थे मैंने प्राइजेस इसीलिए क्लोज करके दिखाई ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके अच्छा आप लोगों को जो उन्होंने मेन मेरे से बात की थी ना उनको जो गिला तो वो कहते हैं लोग वीडियो देख के आ जाते हैं और फिर वही चीज़ जो है मांगते हैं तो काइंडली आप लोग अगर वीडियो लेट देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि दिन ब दिन वराइटी चेंज होती रहती है तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता सको कि आप यहाँ पर विज़िट किया करें जब भी आप इस तरफ आएँ किसी भी डॉलर शॉप पे जाएँ तो वहाँ भी आप जाएँ तो वहाँ भी आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छी मिल सकती हैं तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है अच्छा जब उन्होंने मुझे मना कर दिया तो फिर मैंने जो अपनी चीज़ें ली हुई थी मतलब उसकी पेमेंट की थी ये नहीं कि उसी वक्त में चली गई थी लेकिन मैंने उसके बाद भी काफ़ी देर वहाँ पे मतलब चीज़ें देखी और फिर मैंने पेमेंट की उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे स्टाइलों पर तो स्टाइलों पर भी अच्छी वैरायटी आई हुई है चप्पल्स मैं तो ज़्यादातर चप्पल ही देखती रहती हूँ क्योंकि मेरे जो है मैं हील्स वग़ैरह ना पहनती हूँ और ना मैं उस तरफ देखती हूँ मेरे पास पड़ी बहुत है लेकिन वही मैंने पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि हील वगैरह पहनी ज़रा मुश्किल हो जाती है फंक्शंस पे तो लेकिन ये है कि अपने घर में के फंक्शंस पे ही होता है काम सम करने से पाँव स्वेल हो जाते हैं लेकिन अगर किसी के घर जाना हो वहाँ पे हॉल में अपने बस बैठना ही होते तो वहाँ पे कोशिश मैं कर लेती हूँ कि चलो इस तरह की हील्स वगैरह में पहन अच्छा यहाँ पे जिनकी पास ये देखिए जितनी भी मुझे इनकी चप्पल अच्छी लग रही थी वो फिर मैं यहाँ पर उनको ट्राई कर रही थी अच्छा इनकी कुछ चप्पल्स बहुत ही अच्छी थी बहुत ही सॉफ्ट थी और कुछ जो है बस उनका जो है मुझे जो होता है हार्ड थी तो वो इस वजह से फिर मुझे पसंद भी नहीं थी तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर किसी और वीडियो में आपसे मिलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़